आसिफ जो मंदिर में पानी लेने चला जाता है उसको मारा जाता है। क्या करने गया था? आज पुलिस बुला के देते हो? पुलिस आप पुलिस छोड़िए साहब, पुलिस के भरोसे तो हम बहुत रह लिए, फिर मैं बहुत अग्रेसिव होकर बात करिए 15% के साथ में हमारे भी लोग खड़े हुए हैं। हम लोगों का एक दिमाग, कुछ जो पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया कि अगर कोई उठा रहा है आवाज तो बीजेपी ही उठाएगी। मैं तो उसको भी कंप्लेन मानती हूँ, उसको भी कंप्लेन मानती हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ अगर वहां पे हमारी आरती से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ अजान से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया YouTube चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पत्रकार की है, जैसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब एक बात बोलते हैं कि ये होगा, मोदी साहब कहते हैं नहीं, मैं आश्वासन दे रहा हूँ प्रधानमंत्री की हैसियत से ये ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा। तो दो में से किसको आप सही मानते हो? मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए मैं ब्लाइंड फेथ अगर कहूँ ना तो मैं नरेंद्र मोदी को करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पिता कभी अपने बच्चे के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेता। ठीक है, अच्छा एक और सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने अभी एक आदेश पारित किया है कि सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक स्थल, और सुनिएगा मेरा क्वेश्चन सुना कीजिए, कोई भी धार्मिक स्थल चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसको हटाया जाएगा। पहले तो ये बताइए उनके इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए किस नजर से देखना, अगर धार्मिक भावनाओं से देखे तो सभी आहत होंगे, अगर मस्जिद टूटती है तो मुसलमान दुखेंगे, अगर मंदिर टूटता है तो हिंदू दुखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इन स्पष्ट के बीच में आ जाए तो उनने सबके बराबर के ही बोला ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मस्जिद तोड़ूंगा मैं या सिर्फ गुरुद्वारा तोड़ूंगा, तो इस पे तो कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, उन्होंने सबको बराबर रखा। प्रयागराज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अभी जो है FIR दर्ज की है कि हम जब सोते हैं और सुबह उठने से पहले ही मस्जिद में अजान होती है, लाउड स्पीकर से मेरी आंख खुल जाती है, फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए इस अजान को जो है बंद कराया जाए, इसको किस नजर से देखती है? आप देखिए ना, अभी एक समय था कि जब जागरण होते थे पूरी पूरी रात चलते थे, आगे समय बदलता गया, बच्चों की स्टडी पर फर्क पड़ने लगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर फर्क पड़ने लगा, तो हमने उसको रोका, तो अजान में भी रुकना चाहिए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम, वो टाइम होता है जो इंसान बिल्कुल गहरी नींद में होता है और अजान की आवाज सुनेगा तो वो डिस्टर्ब होगा। सुबह के टाइम पे मंदिर में भी घंटे बजते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, मंदिर के घंटे कभी आपने सुने हैं कि मंदिर से बाहर नहीं सुनाई दे रहे हो? आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर लगता है कभी मंदिर के घंटों के साथ? सुन लीजिए, मैं 1000 मंदिर मैं भी पूरा इंडिया घूमता हूँ, दिखा सकता हूँ कि वहाँ घंटे बजते हैं, उन घंटों की आवाज जो है, अगर मंदिर गोमती नगर के किनारे, गोमती नदी लखनऊ जो की राजधानी है उत्तर प्रदेश की,
घंटे बजते हैं तो अगर स्टेडियम में आदमी होता है तो वहां सुनाई देते हैं। सुन लीजिए, पहले हम सवाल कर रहे हैं, और जो आरती है हनुमान जी वाली और वो सब उसको लाउड स्पीकर में टेप से बजते हैं, सब सुनते हो। तो मेरा फिर वही सवाल आ गया कि अगर अजान को रोका जा रहा है तो इस हिंदुस्तान में, आप आंसर अच्छा दे रही है इसलिए पूछ रहे हैं, तो क्या मंदिर में घंटियां बज के अगर किसी को डिस्टर्ब कर रही है या उसका टेप बज रहा है तो उसपे भी रोक लगना चाहिए कि नहीं? उसपे तो लग चुके हैं, कितना लगा हो गया आप इसपे? कितना नहीं लगा, जागरण बंद हो चुके हैं, चौकियां बंद हो चुकी हैं, सिर्फ सुबह अजान सुनती है। आप बात करो लखनऊ की, जहाँ की आप मुझे बता रहे हो, क्या वहाँ पे किसी ने कम्प्लेन की है? अगर कम्प्लेन आ गया, ये यही आंसर आना था। सुनिए, अगर एक वाइस चांसलर ने कम्प्लेन की, उसी तर्ज पे दूसरे समुदाय के लोग जो मंदिरों के आसपास निवास करते हैं वो एप्लीकेशन लगाने लगे कि ये घंटियां बज रही हैं या आरती की जो है कैसेट बज रही है, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको किस तरह से लेंगे आप, ये बता दीजिए। सेम अजान की तरह से, मैं तो उसको भी कंप्लेंट मानती हूँ, उसको भी कंप्लेंट मानती हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ, अगर वहां पे हमारी आरती से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ अजान से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको किसी धर्म से ना जोड़ के एक फिजिकली प्रॉब्लम की तरफ से देखना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे ऐसा लगता है पत्रकार होने के नाते कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, या अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ठीक उदाहरण ये मैंने दिया है। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने ये कहा कि कुरान शरीफ में 26 पॉइंट या आयतें ऐसी हैं जिनको हटाना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुनिएगा क्वेश्चन, उस पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने प्रतिक्रिया दी कि हम इनसे सहमत नहीं है। तो आरएसएस और बीजेपी का मतलब ये होता है कि अपने ही समुदाय से किसी को खड़ा करना, किसी एक समाज विशेष समुदाय के खिलाफ आग उगलवाना और फिर पीछे से उसको कहना कि ये गलत है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, इस रणनीति को आप किस तरह से देखती हैं? आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो? उदाहरण उदाहरण फिर लीजिए, फिर दावा लीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम लोगों का एक दिमाग, कुछ जो पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया कि अगर कोई उठा रहा है आवाज तो बीजेपी ही उठाएगी। नहीं, वो मेंबर है उसके ना, आरएसएस ने उनको बनाया। मैं तो थोड़ा बहुत सुनती हूँ, मैं पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी को सुनती हूँ, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं, अब आप सुनिए, वो कितने बड़े विद्वान हैं, आप उनसे मेरी बात कराइएगा, सुन लीजिए, आपने गलत आदमी का नाम ले लिया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, आप उनसे कहिएगा कि मैं सिराज साहिल से मिली थी, एक बार बात तो कर लो, सुन लीजिए, वो जो छोड़िए, आप करिए कैसे नरेशन नहीं सेट करता हूँ, तथ्यों में बात करता हूँ। गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक, आपके संगीत सोम विधायक मुजफ्फरनगर की, ठीक, साक्षी महाराज सांसद, प्रज्ञा ठाकुर, चार नाम गिना दिए, बहुत है, कहिएगा तो 40 गिना दे। ये लोग कोई ऐसी बात कहते हैं उस पर सीधे मोहन भागवत साहब का या मोदी जी का या शाहजहां जी का, मोदी जी तो उतना नहीं बोलते हैं क्योंकि मोदी जी की तो अलग स्टाइल है, ठीक, उनकी प्रतिक्रिया आती है, या राजनाथ सिंह बड़ी मीठी स्टाइल में बोलते हैं, नहीं 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 इसका किसी को अधिकार नहीं दिया गया, तुम सारे अधिकार दे रहे हो। अनुराग ठाकुर कहता है गोली मारो सालों को, कपिल मिश्रा आके बकवास करता है, शायद सिंह वर्मा के जो है वो सब संवैधानिक पद पे हैं, रहते हुए वो आदमी जो है ऐसा कर रहा है, संविधान आप कहती हो सबके लिए बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप ऐसे नरेशन हो, ये नरेशन नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया अब आपको, अब आप बताइए इनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए सबके लिए होना चाहिए, क्या सिर्फ यही बोलते हैं? ये भी सही, क्या सिर्फ यही बोलते हैं? तो कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए। अब देखिए, आपने प्रवेश वर्मा जी का नाम लिया, मैं जितनी सी नॉलेज रखती हूँ, मैंने पहले भी बोला कि मैं राजनीति गलियारों से नहीं हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, लेकिन कहीं जब समय मिलता है तो थोड़े थोड़े न्यूज देखती हूँ, इंटरेस्ट आता है। अभी दिल्ली के अंदर कितनी मजारें बनी हुई है, भाई इतने तो नहीं मरे थे,
इतने नहीं मरे ने, मरे तुम दबाया नहीं वहां पे, मजारे किसकी है वो। अगर उस पे आप फिर बोल रहे हो कि संवैधानिक पद पे है वो, तो क्या उनको हक नहीं है कि उस गलत को गलत बोल सके वो? अगर वो चीज आप हवा बना देते हो उस चीज को, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप इसको बोल दे, मैं ऑपोजिट पार्टी का किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती कोई भी, मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं समाज को सुधारने के लिए हूँ। अभी एक लोग फिर मैं उसी बात पे माइंड सेट बन गया है कि आप अगर किसी का माइंड सेट अगर कम लोगों का बना है वो घातक है राष्ट्र के लिए, कि ज्यादा लोगों का बना है वो घातक है? कम लोगों का या ज्यादा लोगों का, किस वे में बना पहले मुझे वो समझाइए। आपने का माइंड सेट मान लीजिए, खुल के करते हैं बात, ये वीडियो दिखाइएगा पुष्पेंद्र को भी और साहेब सिंह के लड़के को, हम तो साहेब सिंह को डायरेक्ट जानते थे, वो तो बच्चा है। पुष्पेंद्र बुलशेज को भी सुनाइएगा, आप जो कह रहे किस नाम है, मान लीजिए 15% मुसलमान है, 15% मुसलमान गलत है, सब आतंकवादी है, मैंने मान लिया, ठीक, 85% इधर है, लाइन ही खींच दीजिए जो चाहती है बीजेपी, ठीक, 15% आदमी एक नरेशन बनाए हुए है वो खतरनाक है किसी एक राष्ट्र के लिए, कि 85% नरेशन बनाए वो 15% के साथ में हमारे भी लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, खड़े हैं। अभी आपने सुना होगा, आप नहीं, सवाल का जवाब, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपने 15% और 85% में जो बांट दिया, मैं एक चीज रोक रहा हूँ, सुनो, बताइए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे सवालों का जवाब आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, सवाल पे काटो कि मैं फिर पूछूं, मैं भूलता नहीं हूँ, सुन, मेरे सवाल का जवाब जो पुष्पेंद्र कुलशेष है, मैं नाम बता रहा हूँ ताकि आप सेट हो जाइए, सुन लीजिए, आप सेट हो जाइए, ना वो दे सकते हैं, ना डॉक्टर इंद्रेश दे सकते हैं, ना आपके हर्षवर्धन दे सकते हैं, सुनते रहिए नाम, ना अनुराग ठाकुर दे सकते हैं, इवन ना मोहन भागवत साहब दे सकते हैं, जो हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब आप दीजिए, हमें घुमाइए ना, मैं फिर बुला के तुम्हारी पूछूंगा। आपने पहले आपके सवाल में आपने 15% पर 85% जवाब दिया, ठीक है, 85% तो पहली बात हमारे साथ ही नहीं है, अगर मैं आपको अपने आप को ऑपोजिट कर लेती हूँ तो, ठीक है। दूसरा जो 15% है, क्या आपने सुना है किसी हिंदू ने जाके मुस्लिम को मारा है? अभी 3 दिन पहले की बात है, पंकज नाम का लड़का महावीर क्लिप के अंदर सलमान खान के लड़के, सलमान नाम के लड़के ने मारा है, सुने पहले, अभी जो है, सुनिए, अभी वायरल हो रहा, वो देखा आपने, कल का आतिफ जो मंदिर में पानी लेने चला जाता है, हाँ, उसको मारा जाता है, पानी लेने जाते हैं, हाँ, क्या करने गया था आज, आपको पुलिस बुला के देते हो, पुलिस, आप पुलिस छोड़िए साहब, पुलिस के भरोसे तो हम बहुत रह लिए, फिर मैं बहुत अग्रेसिव होकर बात करी, करिए करिए, मैं आपको बता यही कह रहे, इसलिए जाते हैं कि वो मंदिर में मूर्तियों पे पैर रखें और फोटो वायरल करें, आज हजारों सैकड़ों फोटो आप देखिए ना, हम कैसे कुछ नहीं देंगे, हम उनके मस्जिद में जाते हैं, जाते हैं तो यू हाथ जोड़ के जाते हैं, आज हमारे आधे हिंदू ना पीर फकीरों में घूमते फिरते हैं, लेकिन कभी किसी ने पैर रख के फोटो खिंचवाई क्या? वो हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, हमारा धर्म, हम उस हिंदुस्तान से हैं, उस हिंदू धर्म से जो विश्व का कल्याण मांगता है अपनी पूजा के अंदर भी, हम नहीं घुसने देंगे, क्यों घुसने देंगे, हमें पता है कि उन्होंने हमारे देवताओं का अपमान करा, वो चीजें उन्होंने हमारे दिमाग में उन्होंने भरी, हमने नहीं भरी, ना पीने दिया गया, चलिए आपकी ये बात से मैं सहमत, उस आदमी को, बच्चे को, लड़के को, शैतान को, नालायक को, कुछ भी कह दीजिए, मार के पीट के उसकी वीडियो वायरल करने का क्या मकसद है? इतना कल्याणकारी जो है धर्म है, उसको वो करने का पीछे का क्या नरेशन है वो आप बता दो। मैं बता देती हूँ जो मुझे समझ में आया, हो सकता है गलत भी हूँ, अभी वो इंसिडेंट जो देखा आपने, तो देखा, मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, क्योंकि मेरी अभी एमपी में मीटिंग्स थी, मैं वहां पे थी, मैं तब दिल्ली आई हूँ परसों, तब मुझे पता लगा इन सब चीजों का कि डासना पहुंचना है। तो अभी सिर्फ एक मारते हुए की वीडियो देखी, उस लड़के ने, आप बच्चा कहते हो, मैं बच्चा मान लेती हूँ, मैंने वीडियो देखी, क्या उसने कुछ नहीं किया होगा वहां पे जाके? अगर आपकी नॉलेज में तो उस वो कितने साल के लड़के हैं, तो मुझे बताइए, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में सिर्फ मैंने एफबी इंस्टा पे देखा, कोई जो है 12 कह रहा, कोई 14, कोई 16, हम 18 ही मान लेते हैं। फरीदाबाद में जो लड़की मारी गई थी, वो लड़की कितने साल की थी? कम थे। मेरठ के पास में
पानीपत की लड़की लेके जाके मारी गई, वो लड़का कितने साल का था आप देखते, मैं नहीं देखती, आप पत्रकार है मैं नहीं। इनके धर्म में और हमारे धर्म में उनको क्यों पिटा गया, इस बात का जवाब दे लो, गहराई समझिएगा। उनके 5 साल के बच्चे, अभी आपने कानपुर की वीडियो देखी होगी, कानपुर की कहां क्या हो सकता, मैं गलत हूँ, झारखंड की होगी कहीं की भी, मैं समझ याद नहीं रहा, लेकिन जरा जरा से बच्चे, जहां मैंने वो फोटोग्राफ देखी थी उसमें तो 5 साल का 10 साल का, इससे वो बच्चा नहीं था जहां तक मेरी समझ है, वो वहां किसने बिठाया वहां पे, क्या बच्चा अपने आप चल के आया वहां पे? तो ये बच्चा था ना, वो बच्चा अपने पानी के लिए नहीं गया था, वो किसी ने भेजा हुआ था वहां पे। सही, तो इस तरह की चीजें चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, इन मामलों में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष को खुद निर्णय लेना चाहिए या पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दंडित कराना चाहिए? प्रशासन को लेके जितना मैं वास्ता रखती हूँ, जितना मैं जाती हूँ, मैं किसी पुलिस वाले को खराब नहीं बताती, किसी को अच्छा भी बताती, उनका काम है, वो अपने ढंग से करते हैं। कितनी शिकायतों पे असर होता है हिंदुस्तान में, मुझे इसलिए पता है, ये सिस्टम कौन सही करेगा? जहां तक मुझे लगता है, जब तक ईमानदारी नहीं आई, एक व्यक्ति विशेष में ईमानदारी नहीं आएगी, सिस्टम सेट नहीं होगा। सिस्टम ना तो कोई राहुल गांधी सेट करेगा, ना नरेंद्र मोदी आएगा, ना नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी है, उसने इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल रखी है, कल को राहुल गांधी आएगा तो वो संभालेगा, वो एक इंसान आके हर इंसान को नहीं संभालेगा, हर इंसान को यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके सिस्टम सेट होगा। विश्वास खो चुके हैं, मैं तो एक ड्राइव शुरू करने वाली हूँ, पब्लिक पुलिस रिलेशन, उसका दूसरा ये भी है पब्लिक पुलिस रक्षा, कि जब तक ये रिलेशन नहीं सुधरेगा तब तक हम दंडित करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी नजर में वो गलत है तो वो मेरी नजर में गलत नहीं है, कि उसको पता था कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, मुझे ही अपने धर्म के लिए काम करना पड़ेगा। मैं उस इंसान को गलत नहीं मानती, चाहे वो बच्चा गया था, वो अपने धर्म के लिए काम करने गया था, मेरे पुजारी ने मारा, वो उसने अपने धर्म के लिए काम किया। मुझे 3 तलाक लागू होने के बाद क्या आप समझती हो कि मुस्लिम समाज की जो बहन बेटियां हैं उनकी समस्याएं समाप्त हो गई? कुछ हद तक, सारी तो नहीं कह सकते, सारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच से चलता है। आप अभी भी देखिए, जब ये चीजें आई थी, जब ये कानून बने थे, उसके बाद भी हमने न्यूज में सुना कि आज भी किसी मुस्लिम भाई ने तलाक तलाक लेके भेज दिया, कोई दुबई बैठ के भेज रहा है, कोई भेज रहा है, आपके हफ्ते के इस पे नहीं काम हुआ, तो फिर व्यक्ति विशेष पे बात आती है, आती कानून पे नहीं आती। कानून कौन मान रहे हैं, कितने कानून, आज हम कहते हैं कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, कानून को पढ़ाने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के 99% लोगों को कानून का पता ही नहीं है। अच्छा, एक आदमी का आपने नाम लिया था बातचीत में, अब उनके बारे में क्वेश्चन, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में आप उनसे क्यों प्रभावित हो, उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या बात है, और आप उनसे क्यों जो है, आप नहीं मान, लाखों करोड़ों लोग प्रभावित है, क्यों है, और अगर वो इतने योग्य है तो वो किसी एक ऐसे आदमी का फोन उठाने से क्यों कतराते हैं जिसको वो अपना दोस्त मानते थे और प्रेस क्लब में जो जब मिलते थे तो गले लगाते थे, उस आदमी से फोन पे बात करने की भी हिम्मत उस आदमी में नहीं रह गई, ऐसा क्यों, ये उनसे पूछिएगा, आप इसका जवाब दीजिए, उनके में क्या हाल बात। तो जितना मैंने उनको सुना है, कुरान के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, मैं तो अपने धर्म के बारे में बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने कुरान के बारे में उनसे सुना, वो हर एक ट्रस्ट नंबर बताते हैं, ठीक है, वो उन्हें आयत बोला जाता है, हमारे दोहा बोला जाता है, वो उसके बारे में बताते हैं कि ये चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस चीज को पूरा स्टडी किया है, पढ़ा है उन्होंने, वो इतना हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते हैं जितना वो कुरान के। यही तो आरएसएस की खासियत है, सुनिए आप, यही सुनिए, हम महाभारत में बहुत सी चीजें अगर बताएं आपको कि ये नहीं होना चाहिए, रामायण में बताएं ये नहीं होना चाहिए, ठीक, बाइबल में बताएं ये नहीं होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब में बताएं ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि हम एक धर्म विशेष पे टारगेट कर रहे हैं, नंबर वन सुन लीजिए, नंबर टू अगर उस धर्म विशेष का आदमी कोई उनसे आर्गुमेंट करना चाहता है या उनसे क्वेरी करना चाहता है, उनसे जवाब मांगना चाहता है, उनसे डिबेट करना चाहता है, तो वो सामने नहीं आते, ये कौन सा ज्ञान हो गया। जब मैंने उनको फेसबुक पे टैग करके जवाब भेजा
तो उनके इतनी हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रचारक है आपके यहाँ, सुनिए उनके इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे पास नागपुर से फोन आया और एक घंटा उसने फोन पे बात की, उसको ऐसी धूल चटाई कहेंगे, वो दोबारा फोन नहीं आया। उसने कहा मैं भाई साहब से बात कराऊंगा, हमने बात करा के बताना, ठीक है। आज तक फोन नहीं आया और वो आदमी हमें पिछले 15 साल से जानता है, जिस आदमी का आप नाम ले रही जी। और कुरान शरीफ की आयत और माने बताना अलग बात है, उसको इंटरप्रेट करके ऐसे पहुंचाना, सुन लीजिए, कि जिससे एक समाज में दुराव पैदा हो, वो चीज करना ठीक नहीं है किसी भी समाज के। मैं उसके दोबारा हाँ। आप क्या चाहते हैं उनमें क्या खासियत है वो बताओ, छोड़ो। आपने मुझे बोला कि उन्होंने आयतों को लेके वो समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि वो एक एक आयत बताते हैं, बताते हैं। हाँ, तो वो किस तरह से बताते हैं, वो तरीके भी हमें, तरीके आपने भी देखे, मैंने भी देखे, ठीक है। जब एक चीज को अभी सब पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों बात करते हो, पूरे विश्व में देखो ना, इन्होंने कितना आतंक मचा रखा है। वहां हिंदू क्यों नहीं निकलता, मुस्लिम क्यों निकलता है, बाकी कितने पूरे विश्व में कहीं आगजनी हो रखी है, कहीं मार दिया, कहीं कोई कितने देशों में बैन कर दिया, कितनी मुझे नॉलेज है। उससे मरने दो ना, जो गलत करेगा वो मरेगा। तो गलत बताया, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लोगों को ये नहीं बोल रहे तुमको मारो, हम ये बोलते हैं कि तुम मरने के कगार पे हो, तुम बचो। मतलब 75% लोगों को 15% मार देंगे, बिल्कुल मार देंगे। उसका मैं उदाहरण देती हूँ, आप 85 मत बोलो, हमारे अपने ही जयचंद बोलते हैं हमारे घर में, हमारे अपने ही जयचंद है, बस उन्हीं को तो बता रहे हैं, ये उन्हीं को तो समझाया जा रहा है। अच्छा, कि भाई उनका धर्म कैरम खेला जा रहा है, रिबॉन्ड से जो गोटी पे, आप इसे कैरम बोले, आप इसे लूडो बोले, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सामने वाले समुदाय जो 56 कंट्री बना चुके, वो ऐसे ही नहीं बनी है। 56 कंट्रियां जो बनाई वो ऐसे ही नहीं बनी, लेकिन कैसे बनी है, उनकी जनसंख्या बढ़ी है, उनके कट्टरवाद है, वो एक ऐसा धर्म जितना मुझे पता है। लव जिहाद का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? लव जिहाद का मतलब ये है, अगर दो इंसान प्यार करते हैं और जिंदगी बहुत स्मूथ चलती है, उसे हम लव जिहाद का नाम लेते हैं। लव जिहाद वो है कि भोली भाली बच्चियों को आप टारगेट करते हो। लड़की भोली भाली कितनी उम्र में होती है? भोली भाली 50 साल में हो सकती है। मैं अभी मेरा जब फर्स्ट हमारा शुरू था, भोली भाली लड़की 50 साल में होती है, तो संविधान ने जो है 18 और 21 क्यों रखा है? संविधान लिखने वाले बिल्कुल गलत नहीं है। आप भोली बात करोगे, किस भोला इंसान 50 साल में भी हो सकता है? आप इंसान आपने मुझे बीच में बोला कि क्या उम्र है, आपका बीच में क्वेश्चन आया, उसका जवाब दिया। मैं लव जिहाद का, लव जिहाद वो है कि पानीपत से लड़की टारगेट की गई, उसको लेके जाया गया मेरे के पास में, उसको काट के मार दिया गया, ये लव जिहाद, वो लव जिहाद, ठीक है। मान लिया आपकी बात, ये जो ऐप है ये सोशल मीडिया पे होती है, ठीक। कम्युनिकेशन मिनिस्टर आपके रविशंकर प्रसाद साहब हैं और कानून मंत्री भी हैं, सत्ता पूरी आपके हाथ में है, तो वो ऐप हटाते क्यों नहीं है? टिकटॉक तो हटा दिया आपने। फिर वही बात है कि आप जब कुछ चीजें जवाब को बता, बहुत ढंग से समझाना चाहती हूँ आपको, हम ढंग से ही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कि एक दीवार के अंदर कहीं छोटी सी अगर सीमेंट हटती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता जब तक वो ऊपर तक नहीं आती, दीमक ही कह लो, तो वो दीमक जो लगी हुई ना, जब तक वहां पहुंचेगी तो जरूर इसका इलाज होगा, इतना मुझे विश्वास है, जबकि मैं पार्टी से नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब हर्षवर्धन जी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तो मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर वालिया जो है स्वास्थ्य मंत्री कंडोम के एड लगा रहे हैं और इस तरह से लिख रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ठीक। अब वही आदमी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक। आज OOTT प्लेटफॉर्म पे वल्गर फिल्में चल रही है, फिल्में पिक्चर वालों में भी आ रही हैं, सेंसर बोर्ड भी है, उसके बावजूद उस पे कोई रोक टोक नहीं है, इसको किस नजरिए से देखती हैं कि जब सत्ता में तुम हो तो तुम जानते हो ये प्रॉब्लम है, तो वो क्यों दूर नहीं हो रही है? हाँ, उस चीज को लेकर हम भी शिकायत हैं, और मैं तो एक बात से हैरान हूँ, बड़ा मत बाकी हम सवाल पूछ रहे हैं, बुरा थोड़ी मानेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कुल शेठ जैसे लोगों को जो बहुत बड़े आदर्श हैं, वो मेरे सामने आए, मेरे तो आदर्श हैं, हाँ, मेरे और हजारों लोगों के, तो उनको लाइए सामने एक बार कि एक आदमी चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल, हम लेके आएंगे, चलिए आगे बताइए, इतना चैलेंज हम भी सामने आए, हम तो सिर्फ उनके सेवा का तभी चैलेंज, हाँ, बताइए जवाब दीजिए।
हमने जो ये इंटरव्यू शुरू किया था एक समाज सेविका के तौर पे किया। वो समाज सेविका ही बोल रही है, आप बेफिक्र रहिए। आप यही एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज आज कहीं भी आप एक छोटी सी गाड़ी में हम टैक्सी में बैठते ना। मैडम हम आपको इंटरव्यू के बाद बताएंगे अपने बारे में, सुन लीजिए आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू ले कौन। हाँ तो बस आप आगे बताइए जवाब। बिल्कुल। अब इसके अंदर आप मुझे देखिए कि एक ऐसा खाका तैयार कर दिया गया हिंदुस्तान के अंदर कि अगर कोई राम का नाम ले तो बीजेपी से ही है। नहीं, जय श्री राम बम बम बोले, मैं बोलती हूँ भारत माता की जय, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत कम लोग बोलते हैं। हाँ, क्या आपने नहीं देखा? आप उस पर ही मैं बता, इसी बात के ऊपर हम लोगों को गेम है। जवाब दीजिए, यही तो प्रॉब्लम है, यही टैक्सेस है। आप जवाब दे रही थी, आप घुमा दिया। कौन सी बात? आप क्या जवाब दे रही? किस बात पे आप जवाब दे रही? ऐप के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके हम भी बोलते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी? अब कोई छोटा सा गर्म काम करने लगते हैं। इस ऐप के बारे में आपने माननीय कुलशेठ जी से जिक्र किया कि इस तरह से मैं भगत हूँ तो भगत अभी मैं अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मैं उनको मानती हूँ। और मुझे लगता है कि आप किसी की चीज पर, आपने बात की रामायण की, आपने बात की गुरु ग्रंथ की, आपने बात की महाभारत की, तो आपको किसने रोका है कि उसके अंदर कोई बुराई है तो आप लेके आइए, अगर उसमें बुराई है तो उसको समाज के सामने लेके आइए। सर हम कहते हैं आप लेके आइए। नहीं, बुराई हमने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि अगर लोग कहने लगे कि इसमें ये है कि घर में कोई कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में नहीं देखा करते। चलिए आगे चलिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। तो ऐप अभी या तो उनकी नजर में नहीं आई है और आई है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। हर्षवर्धन जी वाला जवाब दे दीजिए। वो जो इतने ज्यादा ओटीटी पर सारी संस्कृति भ्रष्ट हो रही है, नंगी नंगी लड़कियां औरतें जो दिखाई जा रही हैं टीवी पे और उसमें फिल्में देख रहे हैं, इसपे मोबाइल में चल रहा है, तो टिकटॉक से तो काम थोड़ी चलेगा। रविशंकर प्रसाद जी से कहिए ये बात, ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं क्लिप दूंगा। वो रोके ना, संस्कृति महान बनाए ना हिंदुस्तान की, संस्कृति जो खराब कर चुके ना लोग उसे महान बनाए। किसने किया लगा? मेरे मुंह से क्यों उगलवाना चाहते हो? आपकी तो सुनने, इसीलिए तो मेरे मुंह से क्यों निकलना चाहते हो? मैं नाम ही नहीं लूंगी उनका। नहीं, किसने खराब की? किसने खराब की? जिसके हाथ में राज था उसने खराब की। हाँ तो ले दीजिए नाम, क्या फर्क पड़ता है? आज आप देखिए, जितनी मुझे नॉलेज है, जो मैंने सुना है कि मस्जिद गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, गुरुद्वारे उसके अंदर नहीं है, सिर्फ हमारे मंदिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने बनाया ऐसा था। बिल्कुल। अगर मंदिर का पैसा हमारे पास होता तो अच्छा गुरुकुल बनते, ठीक है, कुछ इस धर्म का प्रचार होता। आज मस्जिद का पैसा है, उनको बाहर से पैसा था, वो रोज के प्रचार कर रहे हैं। हम तो उनको गलत नहीं मानते, वो अपनी जगह बिल्कुल सही, अपने धर्म के लिए 56 उद्देश्य बनाए, वो अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर है और हमें भी उनको देखे होना चाहिए। मैं कहती हूँ आज गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। आज आप देखिए उनको पूरी एक पैसा इस्तेमाल करने का पूरा हक उनके पास में, वो कहीं भी जाते हैं, वो लंगर लगे, हमारा मंदिर नहीं कर सकता, उसका पैसा तो सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट कौन थी इससे पहले? गवर्नमेंट कौन थी इससे पहले? अगर आज ही थोड़ा सा बोल देंगे एक छोटे से सीए को लेके, जबकि वो पूरे देश के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए बराबर है। उसके अंदर उसने क्या बोला तुम उठा के बाहर फेंक देंगे? आज कोई मेरे घर में आ जाएगा, मैं उसको बैठाऊंगी, मैं 2 दिन ही रहूंगी, तीसरे दिन बोलूंगा भाई तू जा, मेरा तो बजट इतना ही है। अगर आज रोहिंग्या बाहर जा रहे हैं और वो आगे बैठे हैं, उनको यहाँ का बनाया जा रहा है, कौन है पता? कोई भी है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ कि मेरे घर में कोई आएगा, जितना मैंने सुना, जितना मैंने देखा, वो क्यों उनको बसाया जा रहा है? क्यों उसकी केजरीवाल फेवर करते हैं? क्यों ममता दिल्ली करती है? क्यों बाकी लोग करते हैं? अगर मेहमान आएगा तो उसे जाना पड़ेगा, ये तो दुनिया का भी दस्तूर है, आव और गमन तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुम दुनिया में आयो तो जाना पड़ेगा, तो दूसरे देश के लोग मेरे देश में नहीं आ सकते। फिर कहते हो रोजगार में फर्क पड़ गया, अरे तुमने दुश्मन तो घर में बैठा रखे हैं, एक इंसान कमा रहा है, 10 तुमने मेहमान बैठा लिए, तो बजट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? ये भी जांच करेगी जिसको जिसको कांग्रेस ने नागरिकता दी है, सुन तो लीजिए, उसको रिजेक्ट करें, कैंसिल करें। बिल्कुल नहीं, ना तो वो किसी के साथ अन्याय कर रही है। अब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे? आपने बोला, हमने कहा कितनों को चाहती है कि बाहर चले जाएं? नहीं बता रही, आपने बोला इसमें आपका जो क्वेश्चन था, आपने जो बीच में जो पंच मारा है, मैं उसका जवाब है, उस पे भी ध्यान दे रही हूँ। आपने बोला कि कांग्रेस ने जिस जिसको नागरिकता दी है बीजेपी उनको बाहर करे, बीजेपी ये देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है। सही गलत की डिस्कशन क्या होगी?
डेफिनेशन ये है कि अगर मैं आपके घर में आके बैठ गई तो मैं गलत हूँ, 10 दिन रखोगे उसके बाद बाहर जाना। घर में आके कौन लोग बैठे हैं? घर में आके बाहर के लोग बैठे, जितना न्यूज में देखते हैं। तो उनको चिन्हित कौन करेगा? चिन्हित कौन करेगा? सरकार कर रही है अपना काम। चिन्हित करने का तरीका क्या होगा? चिन्हित करने का तरीका उनका जो आधार कार्ड है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे, वही पे उसी पे काम होगा। आधार कार्ड तो जो बाहर के लोगों ने भी बना लिए हैं, तो अगर बाकी डॉक्यूमेंट है ना, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चल रही है वो तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे कोई? आप कितनी पीढ़ी से जो है हिंदुस्तान में रह रही हो? शुरू से हिंदुस्तान में। नहीं, कितने साल? कितने साल? जन्म यहाँ पे हुआ, पिता का जन्म यहाँ, दादा का जन्म यहाँ पे, शुरू से यहीं पे राजस्थान। आप अपने जो है कितने लोगों के जो है पीढ़ी के नाम बता सकती? मेरे पिताजी का नाम गिरवर सिंह है, आगे कान सिंह है, मेरे जो दादाजी का नाम है। दो पीढ़ी बहुत है बताने के लिए, और बताइए। नहीं, क्यों बताएंगे? नहीं, दो पीढ़ी बता। अगर एक नागरिकता लेने के आपको कितने साल का वो चाहिए? लेकिन आप मुझे बताइए, तीन पीढ़ियां, ये मेरा प्रमाण है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, मेरा पिता हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। तीन पीढ़ी के कागज कौन से चाहिए होंगे सरकार को? जो भी चाहिए देंगे। नहीं, जो भी चाहिए देंगे। नहीं, तीन भी, अभी आधार तो अभी बनना शुरू हुआ इस पीढ़ी में, उससे पहले राशन कार्ड थे। अच्छा, ठीक ठीक है। उससे पहले बहुत सारे प्रमाण पत्र थे कि आप जिस गांव में रहते हो, कहीं वो आई कार्ड बनता था, कहीं सरपंच के। हाँ? राशन कार्ड वक्त के साथ जो खत्म हो गए। हाँ? सुन लीजिए, हाँ? सवाल कर रहे हैं। हाँ? राशन कार्ड वक्त के साथ खत्म हो गए, ठीक। रजिस्ट्रियां जो पहले की थी वो उर्दू में थी। हाँ बिल्कुल, मैंने देखी के बाद उर्दू चलती। सवाल पूछने वाला भी तो सामने देखिए कौन है। हाँ, दिखे, दिखे। वो उर्दू में थी, तो यानी कि जो बात आपने जवाब दिया वो बहुत सही दिया। एक दो तीन पीढ़ी दादा से। हाँ, तो अब तीन पीढ़ी से पहले का सवाल, कौन सा डॉक्यूमेंट सरकार लेगी जो आप तैयारी करके रखे हो? आधार तो अभी का है, उससे पहले का मान लिया, राशन कार्ड हो गया या रजिस्ट्री हो गई, खेत का हो गया, घर का मान लिया। तीसरी पीढ़ी का जो है कागज मिलेगा तो वो सब उर्दू या फारसी में मिलेगा? उर्दू में। हाँ, तो अब उसको कैसे, और बहुत से डॉक्यूमेंट आदमी जो है मिस कर देगा। मतलब हमसे अगर आज आप कहो कि आप अपना राशन कार्ड दिखाओ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, खत्म हो गया एक चीज, तो उसकी जगह वो रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब जैसे आधार जो है सब माना जाता है, तो आधार के अलावा और डॉक्यूमेंट मानने का क्या औचित्य है? आप भी नहीं दे सकती हो? देखिए, फिर वही बात आती है, फिर आपको मैं बीजेपी को फेवर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, हमें सारा कुछ ना, आप अगर यूँ कुरेदने को लगे तो बहुत सारी चीजें कुरेदेंगे। उन्होंने भी कुछ सिस्टम सेट किया होगा ना, उन्होंने कोई सिस्टम सेट किया होगा कि अगर वो लोकतंत्र है, वो सिस्टम तो बताना पड़ेगा। उनसे ये कागज मांगेंगे तो भाई मैं आपसे जाकर, तो क्या बिना पेपर के ही वो ले जाएंगे उनको? नहीं, मैं सवाल बोल, अगर अभी छोटा सा सवाल थोड़ा आज मैं भी आपसे करती हूँ। अभी आपने जम्मू कश्मीर से देखा होगा रोहिंग्या निकल रहे हैं, तो कुछ तो डॉक्यूमेंट देखे होंगे उन्होंने, है ना? क्या वो रोहिंग्या नहीं है? क्या मानते हो? नहीं, हम किसी एक खास व्यक्ति की खास भी करने के लिए नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे खुद ही कहा कि कितने लोगों को, सारे रोहिंग्या को निकाल दो, सारे जो मुसलमान दूसरे देश से आए हैं उनको निकाल दो। उन्होंने भी बोला है, जितना मैंने न्यूज़ देखा है उन्होंने कब बोला कि हम सारे मुसलमानों को निकालेंगे? मैं जो डॉक्यूमेंटेशन है उस हिसाब से निकालो, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया तो होगी। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि नहीं, ये प्रक्रिया डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ, फिर सवाल, ये सवाल सिटीजनशिप दिखाने का प्रोविजन भारत के 130 करोड़ जनसंख्या के लिए है या सिर्फ मुस्लिम के लिए? ये सवाल बिल्कुल मुस्लिम के लिए है। नरेंद्र मोदी ने हर बार बोला है, हर बार बोला उन्होंने कि भाई तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तुम्हारी सब डिटेल चेक होंगी, जो लगेगा, जो वहाँ की जो कमेटी है, आपको पता है घर में भी क्या अगर चीजें कमेटी बैठती है, सी संस्था में हो चाहे पार्टी में हो, पूरे कानून को साथ लेके, पूरी पार्टी को साथ लेके। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो हिंदू भाई है उनको एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए एक शगुफा छोड़ा है? पता उनको भी है कि ऐसे कुछ नहीं होना है इसमें, लेकिन 85% वोट को अपनी तरफ करने का एक ये षड्यंत्र है। आप क्या सोचते? बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकती उनके बारे में, क्योंकि हम अंधभगत हैं। आप इंदु जी हमें ये बताइए कि अपनी समाज सेवा की जो है इस रफ्तार को तेजी से बढ़े, इसके लिए आपका भविष्य का क्या प्लान है? आपके मेन मुद्दे
भविष्य का ये प्लान है कि देखो मैंने टारगेट कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को नहीं किया, फंड को भी नहीं किया, सीएसआर फंड को भी कभी मैंने टारगेट नहीं किया। मैं तो बस ईश्वर से दुआ करती हूँ ईश्वर अच्छे अच्छे लोग मुझसे मिलते रहे और ये काम चलता रहे। आपको जो है क्या लगता है कि जो है हमने आपसे जो है जो बात कर रहे हैं उस बात में आपको कहीं से लग रहा है कि हम किसी पार्टी विशेष में जो है रुचि रख रहे हैं? ये भी ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए। हाँ, जहाँ तक मुझे लगा तो बिल्कुल आप बीजेपी से या कांग्रेस से मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे वो बीजेपी के खिलाफ ही थे, या उनको उधेड़ने के लिए या मेरी भक्ति को देखने के लिए या कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कांग्रेस के बंदे से फाइट कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। चलिए, अगर आप ये समझ रही हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। देख, मैं अपनी बात सुन लीजिए, मोदी जी मेरे क्या लगते हैं ये मैं आपको जो है उस पे दिखाऊंगा। मैं भी बोल रही हूँ, आप जी बताइए। मैं कह रहा हूँ अभी ये गलत बताइए, मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरव्यू के लिए बैठे थे जी, तो शायद एक नाम ही जानते हैं, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा तो ये इंटरव्यू बड़ा अचानक हुआ, सरप्राइज था मेरे लिए ये इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन जितने आपने मेरे को क्वेश्चन किए तो मुझे लगा कहीं मिले, है ना, या आप मेरी भक्ति को जांचना चाहते हो या आप कांग्रेस से हो, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि जहां मैं बैठूंगी वे बात बोलूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनके फेवर में बोलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई राजा हो नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों। सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।